हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक ठंडी के लिए बहुत अच्छी चीज बनाने जा रही हूँ। ये समझ लीजिए ठंडी के लिए ये रामबाण है। ये एनर्जी बूस्टर भी है और ठंडी के लिए तो बहुत ही रामबाण है। और मेरे यहाँ इसको सभी बच्चे खाते हैं। और ये सौंठ का लड्डू है, आप सभी जानते होंगे ठंडी के लिए कितना कामयाब होता है। बच्चे बड़े बूढ़े इसको सभी कोई खा सकता है। और इसमें हम बनाते हैं अजवाइन और सौंठ डालते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा 1 किलो आटा होगा और इसमें ये 150 ग्राम अजवाइन है। इसको हम भूनेंगे तेल में, तेल से बनता है, घी से नहीं बनता फ्रेंड। और ये 150 ग्राम मेवा है, ये काजू है, बादाम है, ये गरी है, गरी हम भून रहे हैं। और 150 ग्राम मखाना डालेंगे इसमें, भूनते हैं हम। और इनको सारा भून लेती हूँ। जाती है अजवाइन, इससे सोनी थोड़ी खुशबू आने लगती है, थोड़ा सा कलर इसका और डार्क हो जाता है। हाँ फ्रेंड्स, अब अजवाइन भुन चुकी है। ये देखिए, ये मैंने थाली में निकाल लिया है। अब हल्दी भून रही हूँ। और हल्दी ये पैकेट बंद जो मार्केट में मिलती है ये नहीं है चाहिए, इसमें काफी एक मिलावटें होती है तो वो सही नहीं होती सेहत के लिए। ये हल्दी मैंने पीस के रखी है, हल्दी की गांठ में लाई और यहाँ कूट के सुखवा के इसको पीस के छान के रखी हूँ। ये हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, शुद्ध होती है। यही हल्दी ये तो मैंने घर में ही पीसी बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब भून के तैयार हो गया है। ये हमारा मखाना भून के तैयार हो गया है। अब ये सारा मटेरियल हमारा, 5 गोले गुड़ डालते हैं और सारा कुछ मिक्स करके बाहर ही मिक्स करते हैं। इसको हम कूट लेते हैं, थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। अब इसमें मैं ये मखाने डालती हूँ। मखाने थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी लड्डू बन के तैयार होते हैं। आपके घर में बड़े बूढ़े हैं उनको भी खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। ठंडियों में बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, अक्सर देखते रहते हैं बच्चे खाने से उनको सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। ऐसे हम इसको सारा क्रश कर लिए हैं और इसमें हम ऐसा ड्राई फ्रूट भी लाएंगे। ये हमारा आ गया बादाम, ये काजू, ये हल्दी हो गया हमारा, ये अजवाइन, सारा कुछ मिला देते हैं इसमें, सारा इकट्ठे इसको अपने सारा भून दिए, इसका अलग ही मिलाते हैं। ये सामग्री अलग से, ये हमारा गुड़ हो गया, गुड़ 5 गोले गुड़ मैश करने के बाद इतना बनकर तैयार हुआ है। इसको इसमें डाल देते हैं। अब ये हो गया हमारा, ये 50 ग्राम सौंठ है। सौंठ हमने भुना नहीं है, हम कच्ची ही डालते हैं क्योंकि हमको इसे कच्ची खुशबू अच्छी लगती है। भुनने के बाद इसकी खुशबू हमें नहीं अच्छी लगती, बाकी आप चाहें तो भून सकते हैं। ये हो गया, अब इसको हम मिक्स करेंगे, पूरा मिला लेते हैं इसको, ऐसे ऐसे सारा एक सार कर लेते हैं। मिला चाहे तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं इसको। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये हम तेल डाल दिए हैं। अब इसको तेल डाल के अब इसको मिलाते हैं। वैसे तो हम चम्मच यूज कर सकते हैं लेकिन हाथ से ज्यादा अच्छे से मिक्स होगा। इसको मिला लेते हैं, गरम ही मिलाना है फ्रेंड्स, ये तो फिर बंधेगा नहीं।
गरम तेल करके इसको मिलाना होता है। और इसमें एक चीज और हमने नहीं बताई, सॉरी, इसमें हमने भून के गोंद मिलाई थी, गोंद भी डाली थी लेकिन बताना भूल गई। गरम गरम इसको जल्दी जल्दी मिलाना होता है। इसमें अभी हमको तेल कम दिख रहा है, तो मिला लेते हैं। इसको मिलाते मिलाते पूरा जब मिक्स हो जाएगा तब इसकी हम लड्डू बना लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब ये मिक्स हो गया है, अब इसके हम लड्डू बनाते हैं। दबा दबा के बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें चाशनी तो बनानी नहीं होती है, इसलिए इसको दबा दबा के बनाना पड़ता है। कई बार ये फूट भी जाते हैं। ये हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ है, इसको आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, बड़े बुजुर्गों को भी खिलाइए और सेहतमंद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ फ्रेंड्स, अब मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं लड्डू। आप इनको जरूर ट्राई करिएगा, खास करके ठंडियों के मौसम में तो बेहद ही सेहतमंद है आपके लिए। फ्रेंड्स जरूर से जरूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट करके हमें बताइएगा।